तो क्या आपको पता है मैं बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हो गया हूँ? सो आपको पता ही होगा, नीरज गोयल बिग बॉस के घर से तो बाहर हो गए हैं, लेकिन वो अपने इवेक्शन से थोड़ा सा भी खुश नहीं है। उनको ये लगता है कि बिग बॉस के घर से उनको जानबूझकर टारगेट करके निकाला गया है। उसके बाद वो बिग बॉस के बारे में क्या बोले आप खुद देख लो। तो क्या आपको पता है मैं बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हो गया हूँ? तो जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, जैसे मैं अपने घर पे रहता था, वैसे ही मैं इस बिग बॉस के घर में भी रहा हूँ। सबके साथ हंस बोल के बात करना, अपने आसपास के माहौल को खुशहाल करना, किसी भी प्रॉब्लम का हल लड़कर या गुस्सा करके नहीं, बल्कि उसको समझा कर और प्यार से करना, क्योंकि दोस्तों प्यार में बहुत ताकत होती है। मेरा मोटिव बस यही था कि बिग बॉस जैसा बड़ा शो गाली गलौज देकर, लड़कर नहीं, ये शो प्यार और सच्चाई से भी जीता जा सकता है। मुझे बिग बॉस के प्यारे घर में जितने भी 2-3 दिन मिले, उनमें मैंने सही चीज के लिए और सबके लिए आवाज उठाई। मुझे कुछ और वक्त मिलता बिग बॉस के घर में रहने का, तो मैं इसी बात पे डटा रहता और आप सबको दिखाता सच्चाई और प्यार में क्या ताकत है। पर मुझे तो घर से बाहर निकाल दिया गया, और रीजन ये दिया कि ऑडियंस की वजह से मुझे बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जब मैंने बाहर आके देखा तो ऑडियंस का तो मुझे बेशुमार प्यार मिल रहा है। दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि इतने कम समय में मैं आप सबका दिल जीत पाया, और जो लोग 4 दिन पहले मुझे इस बिग बॉस के घर में मिले थे, वो लोग मुझे जाता देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। बाकी दोस्तों जिंदगी में तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, आप लोग सपोर्ट बना के रखो। अब आप लोगों को क्या लगता है कि नीरज गोयत को जानबूझ करके बिग बॉस से निकाला गया है? आप लोग अपनी राय में कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे ही फास्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।